नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44 और मैं हूं दीपांशु वर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गौतम अडानी ग्रुप ने अशोक गहलोत सरकार के साथ राजस्थान में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। लेकिन गौतम अडानी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में पूरी बात बताई और उन्होंने बताया कि उन्होंने राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा क्यों की है। गौतम अडानी ने कहा कि अशोक गहलोत की पुरानी सरकार में भी हमने काम किया है, ये कोई नई बात नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार की नीतियां बहुत क्लियर है और सब कुछ बिडिंग के थ्रू हो रहा है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए, लैंड प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग के लिए MDO से कॉन्टैक्ट किया, ये सभी चीज़ें बिडिंग के तहत हुई, कुछ भी मनमानी नहीं है। सरकार गंभीर है तो हमने भी उनके साथ काम करना शुरू किया। गौतम अडानी ने बताया कि बयानबाजी अलग बात है लेकिन काम अलग चीज़ है। जयपुर में हुए समिट के दौरान गौतम अडानी ने राजस्थान में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, जिसके तहत उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान किया गया है। साथ ही 10,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क शुरू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात भी हुई थी। वहीं इस समय अडानी समूह जयपुर एयरपोर्ट का भी संचालन कर रहा है। राजस्थान में करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने वाले गौतम अडानी ने भले ही अपनी बात साफ कर दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अभी भी अडानी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में भी गौतम अडानी पर हमला बोला है। तभी से ये सवाल उठने लगे कि जब राहुल गांधी खुद गौतम अडानी के खिलाफ बोलते हैं तो अडानी ग्रुप राजस्थान की गहलोत सरकार को काम क्यों दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44।